मैं आई एज ए प्रेजाइडिंग ऑफिसर विल शेयर माय सम ऑफ द एक्सपीरियंस बिफोर दैट आई डू दैट। कल 1921 में पहला स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का जिक्र शिमला में आया, तो शिमला से रिलेटेड, क्योंकि सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स दिल्ली और शिमला था बिफोर इंडिपेंडेंस। और मैं कुछ और तथ्य जो इस माननीय सदन में के रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा इस प्रोसीडिंग्स के माध्यम से। ये जो काउंसिल चैम्बर जिसमें वर्तमान में विधानसभा होती है, वहीं ही द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, प्रेजेंटली स्पीकर एंड दैट टाइम इट वॉज ए प्रेजिडेंट की स्थापना हुई थी। और विट्ठल भाई पटेल ने ब्रिटिश साम्राज्य को चैलेंज करते हुए सम्राट स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ा, दो मतों से जीते। 145 मेंबर्स का हाउस होता था जिसमें 41 जो है नॉमिनेटेड और 104 इलेक्टेड लोग होते थे। सिलेक्टिव गवर्नमेंट थी, इंडियंस भी कुछ प्रोमिनेंट महाराष्ट्र से, बंगाल से, देश के अन्य भागों से उसके प्रतिनिधि, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड विच आई कैन नेम। और उसके बाद वो काउंसिल चैम्बर, उसके बाद विट्ठल भाई पटेल दोबारा भी बने, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी स्वराज पार्टी। और जो इम्पार्शियलिटी ऑफ द प्रेजाइडिंग ऑफिसर है उसकी नियम उन्होंने रखी, दूसरी बार फिर चुनाव लड़ा और फिर वो स्पीकर बने, पर इंडिया बने, किसी पार्टी से नहीं लड़ा। और तब ये व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। विट्ठल भाई पटेल का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स भी बहुत कम, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सारे जानते हैं। तो उसके ऊपर हमारा एक राइट अप है पूरा अपनी विधानसभा का, जिसको मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी करूँगा। मैं आगे जाऊँगा, हम सब किसी न किसी दल से संबंधित है, लेकिन यहाँ आचरण तो हमारा इम्पार्शियल होना चाहिए, यह जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और विषय भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैंने तो जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने जो रिसर्च पेपर निकाला उसको भी पढ़ा, अपना जो रिसर्च पेपर है उसको भी देखा, मेरी विधानसभा सेक्रेटरी जो निकाला, और फिर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है एज ए लेजिस्लेचर प्लस एज ए प्रेजाइडिंग ऑफिसर, मैं उसको आपसे शेयर कर रहा हूँ। जहाँ तक हिमाचल विधानसभा का ताल्लुक है, डिसरप्शन होने लगी हैं अब, लेकिन अभी तक हमने उन डिसरप्शंस को, विधानसभा को जो है सारी कार्रवाई को डिसरप्शन की तरह डेविएट होने से रोका है। अभी तक पिछले एक वर्ष में मेरे एज ए प्रेजाइडिंग ऑफिसर इन द विधानसभा, मेरी प्रोडक्टिविटी मेरी विधानसभा की, जो पिछला सेशन अभी विंटर्स का हुआ, उसमें मैं 132% लेके गया हूँ, यानी अलॉटेड टाइम से ज़्यादा समय हमने डिबेट डेलीब्रेशन किया है। और मैं मुतफिक हूँ सदार साहब हमारे गुरुदास जी से, ऑपोजिशन के हमारे 23 लोग हैं, जो भी विषय लाते हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन भी अलाउ कर देता हूँ मैं, जो 67 में जो एक घंटा पहले आती है, और अगर उसी इशू के ऊपर दूसरा कोई चर्चा पहले से जो है लगी है तो मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, भाई वो चर्चा तो लगी है, नियम 130 में लगी है, तो आप इस विषय को वहीं कैद कर दो और कर लो, तो ज़्यादातर मान जाते हैं। लेकिन जैसा, क्योंकि सभी को अपना अपना जो है राजनीतिक व्यू पॉइंट भी रखना है, अपनी पार्टी की कंपल्शन है उसको भी ट्रांसलेट करना है, अपना जो पॉलिटिक्स है उसको भी ड्राइव करना है, तो मीडिया तो उसका सहारा है। अब हमको मीडिया में कहाँ तक रिपोर्टिंग के लिए जाना है नहीं जाना है, वो तो व्यवस्था मैं अंदर ही दे देता हूँ कि ये दिस डिस्ट्रक्शन इज अनकॉल्ड फॉर एंड विल नॉट बी रिपोर्टेड, तो मीडिया अपने आप ही उसकी कॉग्निशंस ले लेता है। और मेरे पास पूछने आते हैं कि अंदर प्रोसीडिंग में तो आगे मैं डाल गया, पर आई हैव गिवन ए रूलिंग कि दिस विल नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग बिकॉज इट वॉज अनवॉरंटेड अनकॉल्ड फॉर एंड इट वॉज नॉट अदरवाइज डिजायर्ड एंड एट दिस आई हैव नॉट अलाउड, क्योंकि मैं तो जब समय दे रहा हूँ, और ठीक कहा कल स्पीकर वेस्ट बंगाल ने, मैं एडजॉर्न नहीं करता हूँ, ना मैंने किया, मैं अपने माइक्रोफोन लगा लेता हूँ, और क्वेश्चन आवर बड़ा इम्पॉर्टेंट आवर है, इसलिए हम जो है क्वेश्चन आवर को स्टार्ट करते हैं। और जब ऑपोजिशन के बहुत सारे जो लोग
बाहर चले जाते हैं, उनको लगता है कि प्रश्न तो लगे लगने, और फटाफट करके फिर जो लोग प्रेजेंट होते हैं उनके प्रश्न आते जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है रिप्लाई पर आते हैं, और उससे काम जो है जहाँ जहाँ जिन जिन माननीय विधायकों का होता है वो होता है, तो आप उनको आभास लगा उन्हें, और डिस्ट्रप्शन क्योंकि पार्टी के अंदर कॉन्सेंसस ही नहीं होता कई जगह।